नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। पर्यावरण दिवस पर आई दो ई कारों में से एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुरक्षा कारणों से लौटा दी है। वहीं मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह को भी ई कार कुछ रास नहीं आ रही है। वे ई कार छोड़कर सरकारी गाड़ी में ही चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बचत के उद्देश्य से ई कार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने पहली खेप में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के लिए दो ई कारें बुलवाई थी। मुख्यमंत्री कार में कुछ देर के लिए बैठे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से सुरक्षा दस्ते ने उन्हें कार का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। बताया जा रहा है कि सीएम सिक्योरिटी ने बुलेट प्रूफ और सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी की ऊंचाई कम होने की वजह से इसे असुरक्षित बताया था। अब इस कार का इस्तेमाल निगम के एमडी कर रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव अपनी काले रंग की सरकारी कार में ही चल रहे हैं। निगम ने महाराष्ट्र की तर्ज पर पेट्रोल डीजल की बचत के उद्देश्य से सभी मंत्रियों, प्रमुख सचिव और सचिवों के लिए ई कारें खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया था। इसे ऊर्जा विभाग को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। एक बार में 150 से ज्यादा कारें खरीदने की तैयारी थी। इससे रोजाना लाखों रुपये का पेट्रोल डीजल बचाया जा सकता है। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ आज। और इस खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।